नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे दूसरे दलों के लोगों के लिए खोल दिए हैं और जनपद के सभी विधानसभा में मिलन समारोह आयोजित करके हजारों की संख्या में प्रधान, पूर्व चेयरमैन, प्रत्याशी, सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक प्रेम प्रकाश राय ने बताया कि आजमगढ़ जनपद के सदर लोकसभा की सभी 5 विधानसभाओं में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं के साथ उनके समर्थक भी पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा ज्वाइन करने वाले लोगों में सभासद सानी श्रीवास्तव, मेहताब कुरैशी, पुनीत राय, रीता चौहान, सुनीता मिश्रा, दुर्गेश यादव, शैलेंद्र कुमार गौतम, सुषमा सेठ शामिल हैं, जबकि अध्यक्ष के पूर्व प्रत्याशी गोविंद दुबे और रमेश निषाद ने भी भाजपा की सदस्यता ली। पूर्व सभासद विशाल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद प्रत्याशी राजेश साहनी, हरेंद्र पाल के साथ ही प्रधान श्रवण कुमार, बहादुर सोनकर, मंजेश यादव, धर्मेंद्र राजभर और पूर्व प्रधान अंगद यादव, दिनेश शर्मा, जितेंद्र सरोज, नीलकंठ त्रिपाठी ने भी भाजपा की सदस्यता ली। क्षेत्र पंचायत सदस्य रामानंद प्रजापति, प्रकाश कन्नौजिया, शिक्षक नेता विनोद सिंह, शिक्षक नेता नरेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री चेत नारायण गुट ने भाजपा की सदस्यता ली। व्यापारी नेता श्रीनाथ सेठ, पूर्व सैनिक राजदेव चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश यादव और बीरबल सिंह चौहान ने भी इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामते हुए, इन नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए हैं। सदर विधानसभा के नेता अखिलेश मिश्रा ने कहा कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इन नेताओं को पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने सभी नवागत सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि दूसरे दलों को छोड़कर हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के मानव सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा। इस अवसर पर जिले के प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम संघर्षों से गुजरते हुए 2 सदस्यों की पार्टी से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उसमें हमारी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का योगदान है और आज आप सभी के पार्टी ज्वाइन करने से हमें और ज्यादा मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने किया। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदर विधानसभा के संयोजक पवन देव त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, मयंक गुप्ता, राजीव शुक्ला, अवनीश चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर आज भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमें गर्व है, खुशी भी है, जितनी हमने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और सपा, बसपा, कांग्रेस सारे दलों के लोग दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आ रहे हैं। लगभग कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? लगभग कितने लोगों ने? 300 से ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने 300 की व्यवस्था किया था, आज जितनी व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था खत्म हो गई। हमारी उम्मीद से करीब 50 से ज़्यादा अधिक लोगों ने आज पार्टी शामिल हुए हैं और आगे भी अभी तमाम लोग आ रहे हैं पार्टी में शामिल होंगे। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी ने कई बार घोषणा किया है, नौजवान, युवा, किसान, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है, इसके उत्थान के लिए लगातार काम करती है और लगातार आगे भी काम करती रहेगी। इससे बड़ी संख्या में नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, आज जिला कार्यालय पर आजमगढ़ सदर विधानसभा के उसमें ज्वाइनिंग होनी थी। आज जो हम लोगों की व्यवस्था थी वो लगभग 300 लोगों को ज्वाइन कराने की थी, लेकिन बड़ी तादाद में वर्तमान प्रधान, वर्तमान जो हमारे सभासद हैं नगर पालिका के, नगर पंचायत के, और उनके साथ भारी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य,
और इस तरह के कार्यकर्ता 300 से ऊपर ज्वाइन किए हैं। निश्चित रूप से परिवार में संख्या बढ़ी है और जब परिवार में संख्या बढ़ती है तो मजबूती मिलती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में और मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।